लेना चाहते हैं एक मोबाइल जिसका बजट है 10,000 रुपए, तो ये वीडियो खास तौर से मैं आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और साथ ही साथ वीडियो के अंत में भी बताऊंगा कि आपको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए जिसका बजट 10,000 हो। उससे पहले बात कर लेते हैं कि कॉमन मैन का एवरेज बजट होता है 10,000 रुपए। हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं और चाहते हैं कि हमें बेस्ट मोबाइल मिले। अगर मोबाइल सही नहीं हुआ तो फिर हम एकदम कोई चेंज भी नहीं करते, इसलिए उससे बेहतर है कि आप मोबाइल लेने से पहले ही जान लें कि आपके जो बजट है 10,000 रुपए उसमें आपके लिए कौन सा मोबाइल बेस्ट रहेगा। आज की वीडियो में हम दो बड़े बड़े ब्रांड के मोबाइलों को कंपेयर करेंगे, जिसमें पहला ब्रांड है लेनोवो का। लेनोवो के साथ हम ले रहे हैं लेनोवो K8 प्लस जिसकी प्राइस है 9,999 रुपए, और वहीं हम रेडमी से ले रहे हैं रेडमी नोट 5 जो कि लोग काफी पसंद कर रहे हैं और उसकी भी प्राइस सेम है 9,999 रुपए। दोनों ही मोबाइल आपको 9,999 रुपए में फ्लिपकार्ट पर ऑफर के थ्रू मिल जाएंगे। चलिए तो फिर करते हैं इन दोनों को कंपेयर, और आज की वीडियो में बात करेंगे दोनों के नेगेटिव पॉइंट के बारे में जो कि आपको फ्यूचर में परेशान कर सकते हैं। उससे पहले बता दूं फ्रेंड, मैं दोनों ही मोबाइल Redmi Note 5 और Lenovo K8 Plus यूज कर चुका हूं, तो वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए तो फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में, क्योंकि सेल्फी फोटोग्राफी का काफी क्रेज है और हम चाहते हैं कि हमारे मोबाइल का कैमरा बेस्ट हो, उससे बेस्ट सेल्फी आए। Lenovo K8 Plus में आपको 13+5 MP का रियर कैमरा मिल जाता है और आपको फ्रंट में 8 MP का कैमरा मिल जाता है। वहीं Redmi में आपको 12 MP का रियर कैमरा मिल जाता है और आपको फ्रंट में 5 MP का। यहाँ Redmi को थोड़ा माइनस पॉइंट है क्योंकि कैमरा थोड़ा कम है, और अगर हम देखें बाई लुक, अगर पिक्चर्स क्लिक करने के बाद कैसी आती है तो Redmi की थोड़ी अच्छी दिखती है, पर अगर हम जूम करते हैं Redmi का तो पिक्सल्स फटने लगते हैं। वहीं हम Lenovo के पिक्चर्स को देखें तो वहां आपको Lenovo के पिक्चर्स अच्छी दिखेंगी। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि आजकल बड़े बड़े मोबाइलों का काफी क्रेज है, हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल बहुत ही बड़ा दिखे। तो K8 Plus में आपको 5.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है, और इन अगेंस्ट Note 5 में आपको 5.99 इंच का अप्रोक्स 6 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले पसंद है तो आप Redmi के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको एक कॉम्पैक्ट मोबाइल पसंद है जिसकी डिस्प्ले ज्यादा बड़ी ना हो तो आप Lenovo के साथ जा सकते हैं। पर यहीं हम आपको बताएंगे कि Redmi को एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले थोड़ी बड़ी है और अगर मोबाइल गिरता है तो डिस्प्ले टूट जाती है, वहीं छोटे मोबाइल गिरते हैं तो उनके साथ ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होता। अब बात कर लेते हैं इसकी रैम के बारे में, तो रैम और इंटरनल मेमोरी दोनों में सेम है, 3 GB रैम 32 GB इंटरनल मेमोरी, और Redmi में भी आपको 3 GB रैम 32 GB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। वहीं आपको 128 MB का आप इसमें कार्ड लगा सकते हैं, पर यहाँ Redmi को एक माइनस पॉइंट मिलता है क्योंकि Redmi है हाइब्रिड, यानी कि आप एक सिम एक कार्ड यूज कर सकते हैं Redmi में, या फिर कार्ड हटाएंगे तो आप दोनों सिम में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ Redmi को एक माइनस पॉइंट मिलता है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। K8 Plus में आपको MediaTek का प्रोसेसर मिल जाता है, और इन अगेंस्ट Redmi Note 5 में आपको Snapdragon का प्रोसेसर मिल जाता है। अगर आपको गेमिंग मोबाइल का मल्टी यूज करते हैं तो Snapdragon आपके लिए काफी अच्छा है। Redmi को एक प्लस पॉइंट मिल रहा है और Lenovo को एक माइनस पॉइंट, क्योंकि ये MediaTek प्रोसेसर दे रही है जो कि काफी पुराना, यानी कि ये पुराना है। अब बात करते हैं इसके एंड्रॉइड वर्जन के, तो एंड्रॉइड वर्जन सेम है, दोनों ही नोगट वर्जन पर आते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, वो है बैटरी। बैटरी काफी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम दिन भर मोबाइल चलाते हैं, कुछ मोबाइल जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, कुछ की बैटरी चलती रहती है। तो अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो यहाँ Lenovo की बैटरी अच्छी चलती है। उससे पहले बता दूं कि दोनों की बैटरी सेम है, 4000 mAh की दोनों की बैटरी आपको मिलती है, पर यहाँ Lenovo की जो बैटरी बैकअप है वो काफी अच्छा है, मैं यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वहीं Redmi का थोड़ा सा कम है, तो यहाँ Redmi को एक माइनस पॉइंट दे देते हैं। ओवरऑल देखे तो दोस्तों दोनों ही मोबाइल अच्छे हैं, पर एक कॉमन मैन का सपना होता है कि वो 10,000 अगर उसका बजट है तो वो एक ऐसा मोबाइल ले जो फ्यूचर में भी उसको साथ दे और हमेशा अच्छा चले। अगर आप बात करते हैं मेरी सजेशन की, तो मैं यहाँ Lenovo K8 Plus को आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वो मोबाइल लें, क्योंकि Lenovo ब्रांड है, काफी पुराना ब्रांड है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। वहीं
रेडमी चाइना की कंपनी, एक नई कंपनी है, बुरा नहीं है पर ज्यादा अच्छा भी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताए गए पॉइंटों के बेस पर आप एक अपना एक अच्छा स्मार्टफोन ले सकते हैं। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को